नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे रहस्यमय किले के बारे में जहां छिपा है खजाना, अनोखी वास्तुकला, जौहर और भूल भुलैया का रहस्य। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित एक ऐसा गांव है जहां का किला हमेशा से ही रहस्य और जिज्ञासा का विषय बना रहा है। यह किला न केवल बेजोड़ शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि विश्वासघात की नींव पर रची गई खूनी प्रणय गाथा के अंत का भी गवाह है। 11वीं शताब्दी में यह किला जुजौती प्रदेश की राजधानी था। उस समय उत्तर भारत का एक बड़ा शहर गढ़कुंडार हुआ करता था। गढ़कुंडार का किला बेहद रहस्यमयी है। गढ़कुंडार का प्राचीन नाम गढ़कुरार है। ये किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यहाँ चंदेलों, बुंदेलों, खंगार कई शासकों ने शासन किया। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बना यह किला इस तरह बनाया गया है कि 4-5 किलोमीटर दूर से तो यह दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक पहुँचते हैं किला दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखाई देता है, अगर उसी रास्ते पर आगे जाते हैं तो यह रास्ता भी किले की तरफ जाने के बजाय कहीं और जाता है, जबकि किले के लिए दूसरा रास्ता है। आक्रमण की दृष्टि से यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इसलिए इसे दुर्गम दुर्ग भी कहा जाता है। यह किला उत्तर भारत की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक है। यह पहाड़ों के बीच इतनी ऊंचाई पर बना है कि तोपों के गोले इसे नहीं तोड़ सकते, लेकिन इस किले से बहुत दूर तक दुश्मनों को देखकर उन्हें आसानी से मारा जा सकता था। किले का वास्तु, राजमहल को चारों तरफ से 6 फुट मोटा परकोटा घेरे हुए है, जिसका द्वार सिंह द्वार कहा जाता है। सिंह द्वार के बाहर 2 चबूतरे बने हैं जिन्हें दीवान चबूतरा कहते हैं। सिंह द्वार की ऊंचाई लगभग 20 फुट तथा लंबाई 80 फुट है। सिंह द्वार को पार करने के बाद सिंह पौर है। इसके बाद तोपखाना है जहां राजाओं के समय में तोपें रखी जाती थी। राजमहल के बाहर 18 फुट चौड़ी और 100 फुट लंबी घुड़साल है जहां राजा के घोड़े बांधे जाते थे। इस घुड़साल में 11 दरवाजे हैं। इसके सामने एक चक्की लगी है जिसे चूना पीसने का काम किया जाता था। इसी घुड़साल के सामने भव्य राजमहल बना है। 11वीं शताब्दी में बना यह किला 5 मंजिलों का है। 3 मंजिलें तो ऊपर हैं, जबकि 2 मंजिलें जमीन के नीचे हैं। महल बहुत ही बड़ा और वर्गाकार बना है। महल में राजा रानी के कमरे, राजकुमारों के कमरे, राजा का दीवाने आम और बंदी गृह भी बने हुए हैं। महल के आंगन में हनुमान जी का एक मंदिर था जो अब जीर्ण अवस्था में है। आंगन में ही एक विशाल वेदी बनी है जहां राज परिवार महापूजा किया करता था। जौहर स्तंभ, आंगन में राजकुमारी केशर दे का जौहर स्तंभ भी है। खंगार राजवंश के अंतिम राजा मानसिंह की बेटी का नाम केसर दे था। राजकुमारी केसर दे अनुपम सौंदर्य की मल्लिका थी जिसकी ख्याति दिल्ली तक थी। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव भेजा, परंतु राजा मानसिंह ने राजकुमारी के लिए आया प्रस्ताव ठुकरा दिया। मोहम्मद तुगलक की सेना ने सन 1347 में गढ़कुंडार पर आक्रमण कर दिया, किले को अपने कब्जे में कर लिया। राजकुमारी केसर दे अन्य महिलाओं ने अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए किले के अंदर बने कुएं में आग जलाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस कुएं को जौहर कुआं भी कहते हैं। महल में सबसे नीचे के तल में एक सुरंग महल के बाहर इसी जौहर कुएं तक जाती है। किले का रक्त रंजित इतिहास, गढ़कुंडार का किला ऐतिहासिक समृद्धि का प्रतीक होने के साथ साथ रक्त रंजित प्रणय गाथा का भी साक्षी रहा है, जिसमें खंगार राजवंश को खत्म करने की साजिश को अंजाम दिया गया था। इस किले के पुनर्निर्माण और इसे नई पहचान देने का श्रेय खंगारों को जाता है। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सामंत खेत सिंह खंगार ने परमार वंश के गणपति शिवा को हराकर इस किले पर कब्जा कर खंगार राज्य की नींव डाली थी। खेत सिंह गुजरात राज्य के राजा रुड़देव का पुत्र था। रुड़देव और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह मित्र हुआ करते थे, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान और खेत सिंह भी बचपन से ही मित्र हो गए थे। खेत सिंह की गिनती पृथ्वीराज के महान सेनापतियों में से की जाती थी।
या चंदेलों का पहले एक किला हुआ करता था जिसे जीनागढ़ के नाम से जाना जाता था। खंगार वंशीय खेत सिंह बनारस से बुंदेलखंड आए थे और जीनागढ़ पर कब्जा कर एक नए राज्य की स्थापना की। उनके पोते ने इस किले का नव निर्माण करवा कर गढ़कुंडार नाम रखा। अन्य दर्शनीय स्थल गढ़कुंडार में राजमहल के साथ साथ गिद्धवाहिनी देवी का मंदिर, सिंदूर सागर ताल, गजानन माता मंदिर, गुड़िया महल, खजुआ बैठक, सिया की रावर भी दर्शनीय स्थल हैं। किले में मौजूद खजाने का रहस्य। इतिहासकारों का कहना है कि गढ़कुंडार बेहद ही संपन्न और पुरानी रियासत रही है। यहाँ के राजाओं के पास कभी भी सोने, हीरे, जवाहरात की कमी नहीं रही है। कई विदेशी ताकतों ने भी खजाने को लूटा। स्थानीय चोर उचक्कों ने भी खजाने को तलाशने की भरपूर कोशिश की और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसीलिए 2 फ्लोर बेसमेंट को बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि इस किले में इतना सोना चांदी अब भी है कि भारत जैसा देश भी आसानी से अमीर हो जाए। किले में गायब हुई बारात। किला 2000 साल पुराना है। आसपास के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहाँ पास ही के गांव से एक बारात आई थी। बारात किला घूमने आई थी। घूमते घूमते वे लोग बेसमेंट में चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। उन गायब हुए 50-60 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका। इसके बाद भी कुछ इस तरह की और घटनाएं हुई। इन घटनाओं के बाद किले में नीचे जाने के रास्ते सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। यह किला भूल भुलैया की तरह है। इसमें अधिक अंदर जाने पर कोई भी दिशा भूल सकता है। दिन में भी अंधेरा होने के कारण यह दिन में डरावना लगता है। गढ़कुंडार में खंगार राजवंश के संस्थापक महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती पर 29 दिसंबर को प्रति वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं। वर्तमान में खंगार क्षत्रिय समाज के परिवार बुंदेलखंड के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी निवास करते हैं। तो दोस्तों, यह थी गढ़कुंडार से जुड़ी जानकारी। किसी और विषय पर जानकारी लेकर फिर से आपके रूबरू होंगे। बने रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ। धन्यवाद।